फिल्म इंडस्ट्री में वैसे तो कई बार स्वर्णिम काल आए, कई बार ऐसा कहा जाता है कि ये फिल्म इंडस्ट्री का सबसे बेहतरीन दौर है, लेकिन फिर भी असल मायनों में बॉलीवुड ने इतिहास आज से 60 साल पहले रचा था, जब रिलीज हुई थी सबसे बड़ी फिल्म मुगले आजम। जी हाँ, ये उस दौर की या कह लीजिए बॉलीवुड की अब तक की सबसे बड़ी और सफल फिल्म है। मुगले आजम का निर्देशन के आसिफ ने किया था। आसिफ बॉलीवुड के उन डायरेक्टर्स में शुमार हैं जिन्होंने अपने करियर में सिर्फ दो फिल्में बनाई, एक थी फूल और दूसरी मुगले आजम। अब के आसिफ कोई बहुत मजे हुए डायरेक्टर नहीं थे, उन्होंने फिल्म बनाने का कोई ऐसा खास कोर्स भी नहीं किया था। के आसिफ के पास था सिर्फ एक विजन, एक सोच जो वो बड़े पर्दे पर बिखेरना चाहते थे। के आसिफ को वो मौका मिला फिल्म मुगले आजम की वजह से, क्योंकि इस फिल्म में उनकी कला का पूरा निचोड़ था। इस एक फिल्म के जरिए उन्होंने दिखा दिया था कि कैसे समय से आगे सोचा जा सकता है, कैसे बड़ी सोच को बड़े परिणाम में तब्दील किया जा सकता है। लोगों को जानकर हैरानी होगी कि के आसिफ ने मुगले आजम को बनाने में अपनी जिंदगी के 14 साल लगा दिए थे। कहा जाता है कि के आसिफ ने इस फिल्म का काम आजादी से पहले ही शुरू कर दिया था, जब देश में अंग्रेजों का राज था। उसी समय के आसिफ ने ये फिल्म बनाने का सोचा था। उन्हें मुगले आजम बनाने का आइडिया आर्देशिर ईरानी की फिल्म अनारकली को देखकर आया था। उन्होंने मुगले आजम को बनाने में पानी की तरह पैसा बहाया था। जिस जमाने में 5 से 10 लाख में पूरी फिल्म बन जाया करती थी, तब के आसिफ ने करोड़ों में खेलने का सोचा था। उन्होंने मुगले आजम 1.5 करोड़ रुपए में बनाई थी। सिर्फ यही नहीं, उन्होंने अपनी इस महत्वाकांक्षी फिल्म के लिए सबसे बेहतरीन कलाकार और आर्टिस्ट चुने थे। एक तरफ अगर फिल्म में दिलीप कुमार और मधुबाला को लिया गया, तो वहीं संगीत के लिए म्यूजिक डायरेक्टर नौशाद से संपर्क साधा था। वहीं फिल्म के एक गाने में उस जमाने के बेहतरीन सिंगर गुलाम अली साहब ने अपनी आवाज दी थी। वैसे कहा जाता है कि उस समय गुलाम अली साहब मुगले आजम के साथ खुद को नहीं जोड़ना चाहते थे। उन्होंने मना करने के लिए के आसिफ को यह तय कह दिया था कि वो 25,000 बतौर फीस लेंगे। तब शायद गुलाम अली साहब ये भूल गए थे कि के आसिफ इस फिल्म के लिए पानी की तरह पैसे बहाने को तैयार थे। उन्होंने उसी समय गुलाम अली साहब को 10,000 रुपए एडवांस में दिए थे। बता दें कि उस जमाने में लता मंगेशकर और रफी जैसे गायकों को 300 से 400 रुपए मिलते थे।